A very good morning, all of you. Beta, yesterday we studied about the concepts of cost. So there are three, in the short run basically, there are three concepts of cost. One is the total cost, another is average cost, and third one is marginal cost. Okay? So we started with the total cost. As it is clear from the name, but it total cost, sum total of the expenditure incurred on producing a given level of output. Total cost है, मतलब output को produce करने में जितना भी खर्चा आया उसको बोलते हैं total cost. अब इस ये जो cost आती है, पूरा खर्चा जो आया है, let us say मैंने ये chalks बनाए, 100 डिब्बे chalks के बनाए, तो मेरा खर्चा जो आया वो 100 रुपए आया, ठीक है? अब ये जो 100 रुपया खर्चा आया, इसमें से कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है? क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं ना, तो शॉर्ट रन में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरे होते हैं वेरिएबल फैक्टर. तो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जो हमारा खर्चा होता है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट का नाम दे देते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो हमारा खर्चा होता है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कह देते हैं, ठीक है? सो ये हमने कल पढ़ लिया था फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में. फिर भी मैं एक बार ही बता देती हूँ ताकि अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस आ जाए वो भी आप कर पाओ, ठीक है? सो फिक्स्ड कॉस्ट को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं. वन, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द परचेज और हायरिंग ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके ऊपर जो हमारा खर्चा होता है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? दूसरा तरीका फिक्स्ड कॉस्ट को डिफाइन करने का क्या है, इट रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम, आउटपुट चाहे जीरो हो, आउटपुट चाहे 4 यूनिट्स हो, आउटपुट चाहे 8 यूनिट्स हो, ये कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है? व्हेयरएज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगेन इट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द परचेज और हायरिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? जो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर खर्चा हुआ वो फिक्स्ड कॉस्ट, जो वेरिएबल के ऊपर हुआ वो वेरिएबल कॉस्ट. सेकेंड वे टू डिफाइन वेरिएबल कॉस्ट, इट वेरीज एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरीज. देखो आउटपुट बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही है, ठीक है? सो ये है वेरिएबल कॉस्ट. तो डिफरेंस कर लेते हैं इन दोनों में. पहला डिफरेंस यही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? सेकेंड डिफरेंस हम कह सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, दे रिमेन द सेम. वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस, ठीक है? एज आउटपुट इंक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, एज आउटपुट डिक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, ठीक है? और क्या डिफरेंस है? और ये डिफरेंस है, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट जीरो, इट इज पॉजिटिव, इट रिमेन्स द सेम. चाहे आप जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करो तो भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करनी ही पड़ेगी. वेयर एज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट becomes zero, ठीक है? So ये तीन differences हो गए. फिर चौथा difference, आप diagrammatic fixed cost curve is a straight line parallel to x axis, horizontal straight line curve, ठीक है? Fixed cost curve कैसा होता है? Horizontal होता है, straight line parallel to x axis. और variable cost कैसा होता है? इट इज लाइक दिस. तो इसको नाम क्या देते हैं? इट इज लाइक इनवर्स एस शेप. एस ये होता है ना, ये एस का इनवर्स है, ठीक है? ये ऐसा है, तो ये क्या हो गया? एस का
inverse. It is inverted S-shaped curve starting from the origin. ठीक है. और fixed cost को हम indirect cost, supplementary cost भी कहते हैं. Whereas variable cost को हम prime cost और direct cost दोनों के नाम से जानते हैं. Clear? Then fixed cost, they exist only in the short period. Long period में कोई factor fixed नहीं रहता, तो कोई भी cost भी fixed cost नहीं रहेगी. They exist only in the short period. Whereas जो variable cost है, they exist both in the short period as well as in the long period. ठीक है. और क्या example, और क्या difference दे सकते हैं? हम example दे सकते हैं. Can you tell me the example of fixed cost? Anyone? Example of fixed cost. जी, okay, rent. What else? Salaries to the permanent staff. That is also fixed cost. Depreciation. ठीक है. इंटरेस्ट, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट है. वेयर एज वेजेस टू द लेबरर, रॉ मटेरियल सप्लाईज, एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल दीज आर वेरिएबल एक्सपेंसेस. ठीक है. ओके. इंश्योरेंस प्रीमियम, यस, यू, इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. आपने अपनी फायर इंश्योरेंस करवाई हुई है, आप अपनी फैक्ट्री चाहे बंद कर दो, उसमें जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करो तो भी उतना प्रीमियम देना पड़ेगा, 8 यूनिट प्रोड्यूस करो तो भी उतना प्रीमियम देना ही पड़ेगा. ठीक है. आगे चले. हमने दोनों कर्व्स बना लिए थे. अब बारी आती है टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट एज ए सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. नोट डाउन करो. टोटल कॉस्ट एज ए सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. और यू कैन से रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अमंग टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. So, ये जो रिलेशनशिप है वो हम इस टेबल से समझ सकते हैं. क्या है रिलेशनशिप? वी नो दैट टोटल कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो फर्स्टली वी विल राइट डाउन फिक्स्ड कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट. आउटपुट 0 to 8 फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीज, 10 इट रिमेन्स द सेम. वेरिएबल कॉस्ट 0 पर 0 रहेगी. देयर आफ्टर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. 10 के बाद 18, फिर 24, 28, 32, 38, 46, 58. एंड टोटल कॉस्ट इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट. ठीक है. सो जब आप ऐड करेंगे, यू विल फाइंड दैट टोटल कॉस्ट इज 10 रुपीज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज. व्हाई? बिकॉज इट इज सम टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम, सो एवरी टाइम सेम अमाउंट इज बीइंग एडेड टू ऑब्टेन टोटल कॉस्ट. ठीक है. यागी आपकी टोटल कॉस्ट. सो वी कैन सी दैट टोटल कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. यहां तक हो गया बेटे सबका. अब हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे. उसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे. मैं स्केल के साथ ही आपको शो कर रही हूं बना के. हियर वी विल बी टेकिंग लेवल ऑफ आउटपुट. Here we will be taking fixed cost, variable cost, total cost. ठीक है. इधर 1 to 8 हमको लेना है.
और टेन का डिफरेंस इधर, सिक्सटी एट तक जा रहा है तो सेवेंटी तक भी वैल्यूज ले लीजिए, ठीक है। फर्स्टली वी विल बी ड्रॉइंग फिक्स्ड कॉस्ट, सो जीरो पे टेन, वन पे टेन, एवरी टाइम इट इज टेन, सो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कर्व आ जाएगा, जो कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व दिखेगा आपको, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर वेरिएबल कॉस्ट कर्व प्लॉट करते वैल्यूज, जीरो पे जीरो, वन पे टेन, एटीन, ट्वेंटी फोर, 28, 32, 38, 46, 58. Join these. You will get a curve, upward sloping curve. At first it is concave, then it is convex. ठीक है? Now coming to total cost curve, zero पे टेन, वन पे ट्वेंटी, टू पे ट्वेंटी एट, थ्री पे थर्टी फोर, पे थर्टी एट, देन फोर्टी टू, फोर्टी एट, Fifty-six, 68. Join these points. You will get a curve which is parallel to the variable cost curve. ये जो curve आपका आएगा, this will be parallel to the variable cost curve. ऐसा ही आ रहा है? पैरेलल का मतलब क्या है कि ये जो दोनों कर्व्स है इसके बीच में डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब ये पैरेलल क्यों आया? क्योंकि ये जो डिफरेंस है टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे ही है ना? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा ना बेटे, तो इसका मतलब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, तो इसीलिए ये कर्व इसके पैरेलल है। वंस यू हैव ड्रॉन दिस लेट मी नो, मैं इसकी ऑब्जर्वेशंस लिखवा दूंगी फिर आपको। कोई भी कर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए
तो इसीलिए मैं दो तीन लाइनें उसके बारे में लिखा देती हूँ ताकि जब आप इसको पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये चीज पता चले आपको। Once you have done, let me know. लिख लीजिए इसके नीचे टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द ओरिजिन, इंप्लाइंग ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट क्यों हो रहा है? Implying that total cost can never be equal to zero. Total cost can never be zero even when level of output is zero. Kyun total cost zero nahi ho sakti? Because total cost is a sum total of fixed cost and variable cost, and fixed cost can never be zero. तो जब इनमें से एक हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो टोटल कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। इज इट क्लियर? सेकेंड, टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर। टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर। Because the difference between total cost and variable cost is equal to fixed cost. इनका जो difference है वो fixed cost का difference है, which is always positive and constant. और ये difference हमेशा क्या है? Positive and constant, which is always positive and constant. ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा पहला concept, total cost. अब हम चलते हैं next concept के ऊपर, which is average cost. Average cost. Right now. कर लिया बेटे, लिखवाऊं आगे? Right now, average cost is the per unit cost of producing the commodity. Per unit cost of producing the commodity.
तो समझ लो बेटे, एक हो गया कॉन्सेप्ट टोटल कॉस्ट। मैंने कहा मैंने 100 डिब्बे बनाए, मैंने 100 रुपए के डिब्बे बनाए, ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो पर यूनिट यानी पर बॉक्स जो है मेरा चौक का, उसका कितना खर्चा आया, उसकी क्या कॉस्ट है, उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दी कमोडिटी, इट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ आउटपुट। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, दैट इज एसी इज इक्वल टू टीसी ओवर क्यू। ठीक है ना, मैंने आपको बोला कि बच्चे मैंने ना 100 डिब्बे बनाए हैं और 100 रुपए का मेरा खर्चा आया है उसको बनाने में। तो आप मेरे से अगर पूछते हो कि मैम एक बॉक्स कितने का बना, तो मैं क्या कहूंगी, 100 रुपए को 100 डिब्बों से डिवाइड कर दूंगी, यानी पर यूनिट कॉस्ट यानी एवरेज कॉस्ट कितनी आई, 1 रुपी, यानी ऑन एन एवरेज एक बॉक्स मुझे 1 रुपए का पड़ा। ठीक है, अब आगे देखो इधर, टोटल कॉस्ट इज बेसिकली व्हाट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, टोटल अभी हमने किया ना, टोटल कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर आउटपुट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर आउटपुट। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, डिनोमिनेटर को सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, एवरेज कॉस्ट इज ए सम टोटल ऑफ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दिया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सो दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज कॉस्ट, इट इज अ सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यस हिमांशु, मैम आप वो क्यों कैसे सिंबल करते हैं, क्यों बेटे, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट है ना, तो हम आउटपुट को जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल रूल होता है। ठीक है, तो हमने दोनों के नीचे कर दिया, तो ये इसकी एवरेज, ये इसकी एवरेज आ गई। ओके मैम, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। इसका मतलब अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है, दो तरीके हैं आपके पास, एक अगर आपके पास टोटल कॉस्ट है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा, अगर आपके पास टोटल कॉस्ट नहीं है, आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलें आगे। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सो हाउ डू वी डिफाइन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज पर यूनिट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसके नीचे लिखेंगे एएफसी, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। फॉर्मूला लिख लो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ओवर आउटपुट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको टेबल से और डायग्राम से शो करेंगे। पहले आउटपुट ले लेते हैं, 0 to 8 ले लो, फिक्स्ड कॉस्ट हमने 10 एज्यूम की थी तो 10 ही लिख लेंगे यहां पे। थर्ड कॉलम है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, 10 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5,
3.33, 2.5, 2, 1.6, 1.4, 1.2. ये हमारा हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. Let us study the behavior of average fixed cost. As you can see, as output increases, average fixed cost goes on diminishing. देखो कम होती जा रही है. कारण क्या है? Average fixed cost is fixed cost over output. ये ratio है इसकी. अब ये रेशो का जो न्यूमिरेटर है इट रिमेन्स द सेम. मेरे पास अगर 10 स्वीट्स हैं, मैं अगर एक बच्चे में बांटती हूं तो उसको पूरी की पूरी 10 मिल जाएंगी, लेकिन अगर वही स्वीट्स 10 स्वीट्स मैं दो में बांटती हूं तो 5-5 मिलेंगी, तीन में बांटती हूं तो 3.3, फोर में बांटती हूं तो 2.5. यानी रेशो जो है वो कम होती जाएगी, इजंट इट? ठीक है. सो यही कारण है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग. अब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व भी बना लेते हैं. यहां पर आप 10 तक वैल्यूज ले लीजिए. यहां पर 8 तक, हेयर यू टेक लेवल ऑफ आउटपुट एंड हेयर देयर इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. जीरो का नहीं आएगा, 1 का 10, देन 5, then 3.3, 2.5, 2, 1.6, 1.4, 1.2. average fixed cost curve. Take your time to make it. If at any time you feel like कि मेरी स्पीड ज्यादा है, you can always tell me. But आपको डायग्राम साथ साथ जरूर बनाने हैं बेटा. As output increases, AFC goes on diminishing. It forms a downward sloping curve, which is known as rectangular hyperbola. मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कहते हैं, इस कर्व को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके नीचे आप कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, उसका एरिया सेम रहेगा. ठीक है. अब एएफसी के नीचे जो रेक्टेंगल है उसका जो आप एरिया निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. सो एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द सेम. ठीक है, ये ड्रॉ कर लीजिए.